नमस्कार दोस्तों, चर्दीकला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं साहिबा बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं राजधानी दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में, जहां LIC दिल्ली मंडल एक द्वारा भव्य सम्मान समारोह करवाया जा रहा है। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ इस समारोह में। भारत की एकमात्र बीमा कंपनी LIC इंडिया, जिसके साथ करोड़ों लोगों का विश्वास और भावनाएं जुड़ी हुई हैं और लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में नई प्राप्तियां कर रही है। हमेशा की तरह इस बार भी LIC दिल्ली मंडल एक की तरफ से श्रेष्ठ बीमा वीरों के सम्मान में तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली मंडल एक के सीनियर रीजनल मैनेजर श्री राजेश कुमार की तरफ से भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय परंपरा के अनुसार इस समारोह की शुरुआत भक्तिमय संगीत से की गई। कहा जाता है कि आज के समय में जब हम बात करते हैं तो नारी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, हर चीज़ में आगे है। हमेशा महिला और पुरुष आज के समय में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन समय से भी देखें, तब से भी लेकर आज तक, महिलाओं का हमेशा हमारे समाज में एक ऐसा दर्जा रहा है जो हम सभी लोग, हम उन्हें देवी की तरह भी पूजते हैं, हम उन्हें वीरांगना भी समझते हैं और साथ ही हम उन्हें माँ का दर्जा भी देते हैं। इस भव्य समारोह समागम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की प्रथम महिला MD श्रीमती उषा सांगवान, TT कुबोई, जोनल मैनेजर नॉर्थ जोन ऑफ LIC और अनिल गुप्ता जी शामिल हुए, जिनका बैंड की मनोरम धुन के साथ भव्य स्वागत किया गया। समारोह कार्यक्रम की शुरुआत LIC के अपने गीत के द्वारा की गई व साथ ही मुख्य अतिथि द्वारा विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन किया गया। एक बार जोरदार तालियां हमारी ऑनरेबल चीफ गेस्ट मैम उषा सांगवान जी के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि इस दीप में प्रज्वलित लौ के समान ही दिल्ली मंडल एक का भविष्य भी हमेशा प्रकाशमान रहेगा। दीप प्रज्वलन के उपरांत मुख्य मेहमानों को शॉल और फूल भेंट कर सम्मानित किया गया। बाद बारी आई दिल्ली मंडल ए के श्रेष्ठ बीमा वीरों को सम्मानित करने की, जिन्हें LIC स्लैशेस देकर सम्मानित किया गया और आए हुए मेहमानों की तरफ से और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया गया। जीत का जश्न मनाने का मजा कुछ और ही है, इसीलिए बीमा वीरों ने सम्मानित होने के पश्चात पूरे तालकटोरा स्टेडियम में पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हुए विजय प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि ऊंचाइयों को छूने के लिए और ऊंचे लक्ष्य भेदने की जरूरत होती है, इसीलिए यहां पहुंचे बीमा वीरों ने अगले समारोह तक 1 करोड़ तक का लक्ष्य भेदने का वायदा भी किया। अंत में आए हुए मेहमानों द्वारा सभी बीमा वीरों को और नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित किया गया। अब मैं अपने अनुरोध करता हूं हमारे RM मार्केटिंग डॉक्टर अनिल गुप्ता जी से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। दोस्तों बहुत बहुत बधाई है, दिल्ली मंडल ने पिछले वर्ष
पॉलिसी आधार के ऊपर अपना बजट प्राप्त किया और कंट्री के अंदर ऐसे शायद करने वाले दो या तीन मंडल थे, उसके अंदर दिल्ली मंडल एक भी। दिल्ली मंडल एक के इस परिवार की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारा मंडल ये 1000 करोड़ का आंकड़ा इस बार जरूर छुएगा। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर SDM सर टू इनवाइट अवर जोनल मैनेजर फॉर हिज कीनोट एड्रेस। प्लीज वेलकम अवर SDM सर। हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम लोगों को अनुरोहित करेंगे। नमस्कार, मेरा 33 साल सर्विस में इतना गैदरिंग आज तक नहीं देखा है। दो नंबर है कि मैं भी इतना आदमी के सामने भाषण क्या देना है मैं भी समझ नहीं आता हूं, लेकिन आज एक साथ एक कथे एक हॉल में 4000 लोग बैठे हैं, ये बहुत खुशी का बात है और बहुत सुंदर है। देखो यहाँ पे जो असेंबल हुआ है सिर्फ अभिकर्ता नहीं है, विकास अधिकारी भी है और आपको ऑफिसर लोग भी हैं, CLIA भी हैं, DSE भी हैं और हम लोग का स्टाफ लोग का सारे आदमी दिल्ली दीवान का फैमिली मेंबर जो है सारे मेंबर एक कथा करते हैं, ये इसके अलावा और सुंदर नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका सीनियर DM मिस्टर राजेश कुमार और उसका टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली का मतलब राजधानी, तो राजधानी में रहते हुए आप काम बहुत करना है क्योंकि जो आप लोग से सेंट्रल ऑफिस से तरफ से और हम लोग के जोनल के तरफ से भी बहुत अपेक्षा है आप लोग से। नाउ सवाल तो ये है कि क्यों आपका सीनियर DM ने ऐसा माफी समारोह क्यों बुलाया, क्यों किया? उसके पास ड्रीम है, उसके पास विजन है। आप लोग का साल का बजट जो है इसी साल का 800 करोड़ का बजट है, लेकिन आपका सीनियर DM का आपका उसका विजन है कि 1000 करोड़ करने के लिए उसका विजन है। तो इसके लिए ये काम जो है शुरू करना है, तो शुरू करने के लिए वो ने एक प्लान किया था, ये आपका दो पॉलिसी का मामला जो किया था, क्योंकि आपको जल्द से जल्द एक्टिवाइज करने से आपका बिजनेस भी बढ़ते रहेगा शुरू में। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका सीनियर DM मिस्टर राजेश कुमार और उसका टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली का मतलब राजधानी, तो राजधानी में रहते हुए आप काम बहुत करना है क्योंकि जो आप लोग से सेंट्रल ऑफिस से तरफ से और हम लोग के जोनल के तरफ से भी बहुत अपेक्षा है आप लोग से बिजनेस करने के लिए, लेकिन आज देखो आपका सीनियर DM ने एक कॉल किया था, ये एक कंपटीशन कम से कम दो पड़ोसी लेकर इसका आज का ये समारोह में अटेंड करने के लिए आप 4000 लोग ने आपने रेस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड किया है, तो आपका इन फ्यूचर ऑल्सो आई होप दैट यू विल बी रेस्पॉन्डिंग इन द सेम वे। नाउ सवाल तो ये है कि क्यों आपका सीनियर DM ने ऐसा माफी समारोह क्यों बुलाया, क्यों किया? उसके पास ड्रीम है, उसके पास विजन है। आप लोग का साल का बजट जो है इसी साल का 800 करोड़ का बजट है, लेकिन आपका सीनियर DM का आपका उसका विजन है कि 1000 करोड़ करने के लिए उसका विजन है, तो इसके लिए ये काम जो है शुरू करना है, तो शुरू करने के लिए वो ने एक प्लान किया था, ये आपका दो पॉलिसी का मामला जो किया था, क्योंकि आपको जल्द से जल्द एक्टिवाइज करने से आपका बिजनेस भी बढ़ते रहेगा। सर श्री राजेश कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वेलकम एड्रेस के लिए यहाँ पे आए।
प्लीज वेलकम अवर एसडीएम श्री राजेश कुमार जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एसडीएम सर का। हमारी परमादरणीय इतिहास रचयिता, प्रथम महिला मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारी प्रेरणा के स्रोत मैडम उषा सांगवान जी, हमारे पथ प्रदर्शक और सभी गतिविधियों को प्राणवायु देने वाले हमारे परमादरणीय महामहिम क्षेत्र प्रबंधक श्री टीटी कबोई जी, हमारी मार्केटिंग गतिविधियों के प्रभारी और हमारे बड़े भाई श्री अनिल गुप्ता जी, दिल्ली मंडल एक परिवार के सभी भाइयों और बहनों, साथ में जो परिवार के सभी उनके प्रेरणा स्रोत और हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहली दिल्ली एक से इंडिया एक की जो उड़ान थी, उसकी पहली उड़ान के छोटा सा पग हम लोगों ने पिछले साल 23 अगस्त को इसी स्टेडियम के अंदर रखा था और उस दिन हम लोगों ने एक निर्णय लिया था, सम्मिलित प्रयासों की परिणति हुई और आज आप लोग दिल्ली एक से इंडिया वन, दिल्ली वन टू। आज वो हमारी मैडम जिनके उंगली पकड़कर हम लोगों ने चलना सीखा था, दिल्ली मंडल एक की जो सही अर्थों में हमारी मंडल प्रबंधक भी मेरी, मैं स्वयं भी उनके अधीन मैंने कार्य किया है, उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को जो चलना सिखाया, हम लोग आज ये आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि आज आपका दिल्ली मंडल एक इंडिया वन के स्थान पर सुशोभित है और हमारे चिर प्रतिद्वंदी जो थे वो कोई भी हम लोगों से इस मई के महीने में 7.5 करोड़ रुपए पीछे हैं। तो अब हमारा जीत का अंतर कितना होना चाहिए? जीत का अंतर। मैडम हम लोग ये लोभ संवरण नहीं कर पा रहे कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को साक्षात रूप से मिलेगा। ये एक ऐसा स्वप्न था जो हम लोगों के ने देखा था कि आपके यहाँ हम लोगों के मध्य आएंगी और हम लोगों को अपना आशीर्वाद देंगी। दिल्ली मंडल के लिए ये स्वप्न आपकी गौरवमयी उपस्थिति से आज पूर्ण हुआ और हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, करबद्ध विनती करते हैं कि आप आए और हम लोगों को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। दिल्ली वन इंडिया वन के लिए जोरदार तालियां। साथियों, आज इस सभा में बुलाने के लिए जहां हमने एक आज उत्सव का माहौल देखा, जहां आज मुझे लगा कि एक LIC फैमिली इकट्ठी हुई है, ना केवल आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, बल्कि LIC के सारे अंश जो हैं, एजेंट्स, विकास अधिकारी, SBAs, ब्रांच मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, जोनल ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव्स, सब लोग इकट्ठे हैं, उसको देखकर इतनी खुशी और इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि ये जो टीम LIC है और इस टीम LIC की जो स्पिरिट है उसे कोई भी मात नहीं कर सकता। प्राइवेट कंपनीज हो या कंपटीशन हो, LIC हमेशा नंबर वन रही है और रहेगी। साथियों, हम लोग जब बैठते हैं सेंट्रल ऑफिस में, कॉरपोरेट ऑफिस जिसे हम कहते हैं, योगक शेमा वहाम हम, हमारी जो सेंट्रल ऑफिस की बिल्डिंग है, बहुत बहुत गर्व महसूस होता है। बहुत गर्व महसूस करते हैं जब देखते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी संस्था हैं। जब हम पॉलिसी धारकों का नंबर देखते हैं, पूरे विश्व में ऐसे केवल 3 देश हैं जिनकी संख्या हमारे पॉलिसी धारकों की संख्या से ज़्यादा है, तो बहुत बहुत गर्व महसूस होता है। बहुत गर्व महसूस करते हैं जब हम देखते हैं कि 14 वर्ष के कंपटीशन के बाद भी हमने अपना मार्केट शेयर बनाया हुआ है। पर सबसे ज़्यादा गर्व और खुशी मुझे पर्सनली तब महसूस होती है जब मैं आप सब अभिकर्ता साथियों के साथ होती हूँ, आपको इतने बड़े समूह में देखती हूँ और जब हमें एहसास होता है कि LIC की असली शक्ति आप सब लोग हैं। आप सबको बधाई देना चाहती हूँ पिछले वर्ष के बहुत अच्छे कार्य के लिए। पिछले वर्ष हमने फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम में 90,123 करोड़ का कलेक्शन किया, 90,123 करोड़, और 18% की वृद्धि दिखाई। जबकि मार्केट में कहा जा रहा था कि चैलेंजिंग समय है, प्रोडक्ट्स हमारे चेंज हुए, LIC की 18% वृद्धि के अगेंस्ट
प्राइवेट कंपनीज का -4 का डी ग्रोथ हुआ। तो आज अगर इंडस्ट्री की वृद्धि हुई है तो वो केवल LIC की वृद्धि की वजह से है और आप सबकी मेहनत और हिम्मत की वजह से है। पिछले वर्ष हमने FPI में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया, हमने NOP में भी अपना मार्केट शेयर बढ़ाया और आपको ये जानकर खुशी है कि पॉलिसीज में हमारा मार्केट शेयर आज की डेट में 75% है और प्रीमियम में पॉलिसीज में 85% है और प्रीमियम में 75% मार्केट शेयर है। ना केवल मार्केट लीडर हैं, हम मार्केट मेकर भी हैं। पिछले वर्ष की और उपलब्धि रही, कहीं पे भी कोई अवार्ड घोषित होते थे लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में LIC का नाम सबसे पहले होता था। 31 अवार्ड्स हमने केवल 10 महीने में अर्जित किए, लगभग हर महीने 3 अवार्ड्स आप लोग अर्जित करते रहे। एक बार फिर आपके लिए बहुत बहुत बधाई। पिछले वर्ष आपके MDRT में जो रिकॉर्ड कायम किया, हाईएस्ट नंबर ऑफ MDRTs वर क्रिएटेड, अगेन अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय टीम LIC। तो इसके लिए सब लोगों को, सब अभिकर्ताओं को, सब टीम लीडर्स को एक बार फिर से बहुत बधाई। साथियों, इससे पहले कि और बात करूं, आप सबको आज के इस फंक्शन के लिए, जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया राजेश जी के नेतृत्व में, बहुत ही सुंदर फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। आपके स्पोर्ट्स प्रमोशन के लोगों को भी साथ में लिया गया, शाखा प्रबंधकों को भी, सभी स्टाफ के लोग और मार्केटिंग के लोग इकट्ठे आए, तो देख के बहुत खुशी का एहसास हुआ। तो एक बारी बहुत ज़ोरदार तालियां सब प्रबंधकों के लिए, आप सब के लिए। 4 कमिटमेंट आप लोगों से चाहूंगी डेली, जो हमें अब करनी है। आप सबने मई में काम करके दिखाया, अप्रैल में काम करके दिखाया, जब सब लोग 31 मार्च के एक उससे निकल रहे होते हैं कि 31 मार्च में इतना काम हो गया, ईयर क्लोज हो गया। पर आज जितने अभिकर्ता यहाँ पे हैं, सबने 2 महीनों में जब सब लोग सोच रहे होते हैं, आपने काम करके दिखाया। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों की सोच बाकी सब लोगों से आगे है, तो हमें वो पहला कदम भी उठाना है कि जो कमिटमेंट्स आज हम सोच के जा रहे हैं उसको पूरा करेंगे। मीडिया से खास बातचीत में दिल्ली डिवीजन 1 के SDM राजेश कुमार जी ने कहा कि LIC दिल्ली 1 को देश के कोने कोने तक ले जाना उनका लक्ष्य है और वे इस लक्ष्य के लिए लगातार अग्रसर हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत जी आपका। बहुत थैंक यू मैडम साहिबा जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो ये समारोह हुआ है, भव्य समारोह जी, तो इसका क्या मोटिव था? देखिए मैडम, इसके जो मुख्य रूप से समारोह का नाम है भव्य सम्मान समारोह, जैसे कि इससे पता लगता है कि एक बड़ा समारोह था। हमारे इस समय पूरे हिंदुस्तान वर्ष के अंदर 113 दिल्ली के मंडल कार्यालय हैं। तो उन मंडल कार्यालयों के अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, जिनके अंदर हमारा दिल्ली मंडल 1 जो कार्यालय है, ये इस वर्ष पहले स्थान पर पहुंचा है। ये पहली बार हुआ है कि जब दिल्ली मंडल 1 को पहला स्थान मिला, जिसके लिए वो बहुत समय से लगा हुआ था। तो हम लोगों ने देखा कि हमने, हमारे जो अभिकर्तागण हैं, श्रेष्ठ बीमावीर हैं, उन लोगों को हम लोगों ने इसके अंदर सम्मिलित किया था और एक प्रतियोगिता दी थी। उस प्रतियोगिता का परिणाम निकालने के लिए, उस प्रतियोगिता में जिन लोगों ने पुरस्कार जीता है, उन लोगों को पुरस्कारों का वितरण करने के लिए समारोह किया गया था। ओके, यानी कि इस बार आपका दिल्ली मंडल 1 जो है वो नंबर 1 पे रहा है ऑल इंडिया। ओके, और ये बताइए कि जैसे कि अभी बहुत सारी कंपनीज भी आ चुकी हैं और LIC जहाँ तक देखा गया है तो बहुत पुरानी कंपनी है, एक भारत की बीमा कंपनी है, तो क्या पोजीशन है? अगर आप अपनी राइवल्स कंपनी में देखते हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि LIC किस पोजीशन पे? देखिए मैडम, मैं आपसे एक बात बड़े सटकता से और बड़े विश्वास से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम का किसी भी प्राइवेट कंपनी से कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का स्नेह, पॉलिसी धारकों का स्नेह भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ है। इस समय 31 मार्च 2014 को जो IRDA के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार 85% से अधिक लोगों ने भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर अपना स्नेह दिया है और उसको अपनाया है। 85% पॉलिसी धारकों ने भारतीय जीवन बीमा निगम से अपना नए व्यवसाय के लिए उनको चुना और उनके साथ में अपने भी पॉलिसी लिए, और 24 कंपनियां और हैं उन लोगों के साथ मिलकर 15% ने। तो अगर आप ये देखते हैं तो कोई भी कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि आपकी चहेती, आपकी विश्वस्त भारतीय जीवन बीमा निगम
उसके साथ अपनी प्रतिस्पर्धा, यानी कि आप किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं रखना चाहते, किसी से और हम लोग अपने आप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अच्छा बेहतर बेहतर से बेहतरीन करने के लिए, अपने ही रिकॉर्डों को उन्हें बनाने के लिए और उन्हें ध्वस्त करने के लिए, फिर उनमें पहले से कुछ बेहतर करने के लिए हम लोग कृतसंकल्प। तो दोस्तों ये थे LIC दिल्ली मंडल ए के SDM राजेश कुमार जी, जिनसे हमने मुलाकात की और जाना इस समारोह के बारे में। अगले बार एक और प्रोग्राम के साथ आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।